कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता हूं। लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय पर आधारित है, ना फिल्म देखता हूं ना टीवी देखता हूं ना टीजर देखता हूं ना ट्रेलर देखता हूं ना न्यूज चैनल देखता हूं ना न्यूज पेपर पढ़ता। आपको गधा कोई नहीं मिला। नहीं 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 सर, लोग सही बोल रहे देखते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूं भाई, जी ठीक है, अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं, जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटा के दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, दो लाइनें बता, हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बोलिए। इस मुद्दे की बात है, माइक अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बड़ा अच्छा अपने रोल अदा किया है और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता उसमें लिखा था कि अनु कपूर कंपोज बाय अनु कपूर, तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ कल देखी मुझे। तो सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो फोर मस्केटियर्स में ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई, तो सरकमस्टेंसेज ऐसे हो गए कि उन सरकमस्टेंसेज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहां पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा, वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहां उल्टा हुआ तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है, 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है, 2 जो लिखा जो कविता है, 1st 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, 1 बंद इन्होंने लिखा है, और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है, नातिया कलाम है, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुस्तफ़ा, तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है, तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पढ़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बंद चुके थे और ये चारों मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3-4-5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है, तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सरकमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी है, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा। देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ, इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी, मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर, अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे पढ़ा देते तो मैं आई एस कहीं बनता, मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होंगे तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे, अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। हाथ नीचे, हेलो
हेलो यहाँ पर सामने, मेरा सवाल अनुजी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और चार प्रोड्यूसर से है। सर हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखें पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की, ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो जो औरत जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है, आदमी मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है, तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है ये फिल्म, उसी मुद्दे की। आज की डेट में आप देखिए हर लोअर लोअर क्लास में फैमिली में औरत कैसी है, थोड़ा आगे आ जाओ भाई, स्टाइल में बैठे मेरे को दिखाया हुआ है, तो आप आगे सही से लो आगे सही से हां। जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है, इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा आप इनफैक्ट सबके गांव में विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ आपको, आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा क्या फिल्म है कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में, हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया है कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था, तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सुफी खान साहब इन्होंने डायलॉग लिखा है, और इसमें से मैं पूछना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देखकर आए थे, कितने लोगों ने फिल्म देखा? अरे आज खा लिया माइक मैंने उससे पूछा भी था, मैं फिल्म के ऊपर देख के आई हूं, हम काफी लोग यहां पे देख चुके हैं फिल्म, कभी कभी ऐसा लगा कि लॉट ऑफ वो डायलॉग उन्होंने बोला तुमको अल्लाह ऊपर 3-4 बार आता है, दैट इज द ओनली आई फेल्ट। आपको बता दूं जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज है, जब आपको लगता है पाजी थोड़ा पीछे पाजी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में भी लगे जब भी यूज हुआ है अल्लाह ऊपर, कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, जब ऐसी कोई बात हो रही जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह होगा। Did you feel कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है एज अ राइटर, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते, आपको अपने आप को साबित करने कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे थे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जज साहब जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, और देखिए सब ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी,
सेंसर बोर्ड की तीन कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात की गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे और तीसरी कमेटी जो था वो हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया था और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे, उन्होंने भी ये बात की। जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिलाओं महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो फिर आप बात करना, 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते। जब 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 महिला की आती है, जब महिला की बात आती है, तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें एक रोल, बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाजे का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाजिया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अबू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो इनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाजिया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरस यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और बहुत ही अच्छी मूवी है, आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, किस कम्युनिटी, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि द कश्मीर फाइल बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, द केरला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, हलाला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी और जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म, वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना मुसलमान की कहानी कहे। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपेगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये एक फैमिली की कहानी है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाहें ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर, ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान, प्रॉब्लम की बात नहीं है आपने, नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी हो और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं नहीं सर, संजय लीला भंसाली भी बनाते हैं बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज एज अ नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था जिस वजह से हाईकोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया राइट। जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर यू नो बताया था, वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए, टीजर था तो सेंसेशन तो वही से बना रहा है। आप एक बात बताओ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसमें दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइन हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये मिस, ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हमने, हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? नहीं कभी नहीं आई, पीके फिल्म में आप संजय लीला भंसाली की बात मत करो, आप चीजें हुई है ऐसे नहीं। अरे पहले तो हिंदू, पहले बहुत सारे ठाकुर में भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज में जाके बोलते आप सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम। नहीं नहीं बात, पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती है ना तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, हम उसको बुनते हैं बनाते हैं, उसमें ये नहीं सोचते कि यार हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएगी तो
फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बहुत आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप प्लीज एक बार फिल्म देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है फिल्म देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है चेंज हो जाएगा। अनु कपूर जी मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते थे, बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, दो मिनट रुकिए बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे ऐसे जगह अपने रिसर्च किए, बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं, अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला एक डायलॉग, माय बॉडी माय चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है, खुल के बात करेंगे तो ये है, वहाँ जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज़ है, उस चीज़ का मतलब ये कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हैं आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया? फिर एक नया मुद्दा बना दो, नहीं फिर आप एक नया मुद्दा बना दो। अनु कपूर जी मेरा सवाल आपसे है, अनु कपूर जी अच्छी बात है करते हैं भाई, प्लीज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था, अनु कपूर जी एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, गलत नहीं किया है, और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खान सर जी, दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड, थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी, तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है, हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटमिक वार के ऊपर बना दे, तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए, लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ फिल्में, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसे की हैं, हैं वो क्या आई थी अकबर खिलजी, क्या है बताना, क्या नाम है, पद्मावत में संजय लीला भंसाली कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था, मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी समझती हैं, मजहब धर्म रिलीजन, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी नहीं, आप समझे मेरी बात, मजहबी जिसका तो जिन साहब का आपने नाम लिया है वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए ना जूते भी पड़े ना, फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है, इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अनु कपूर जी मेरा सवाल आपसे, आपने एक सवाल पूछा था जी जी, देखने क्यों जाए, मेरा भाई कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखे, मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं तो उनके उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए, हम आपका जवाब ये है कि फिल्म क्यों देखने जाएं, भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें बस। अनु कपूर जी मेरा सवाल है आपसे, एक अभी अभी एक अभी हो गया अभी आपका जी जी, मुझे नहीं वो तो बात हो गई सर, मेरा सवाल सुनिए, क्यों देखने जाए तो मैंने कहा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आज मीडिया हमारे सामने आया है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे से सर एक सवाल बात बताता हूँ, देखो औरत की आजादी की बात, कुछ लोगों ने तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देखी, क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है, जज ने जब अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे हम लोग शूट कर रहे थे, उस आदेश के बाद कम से कम 15-16 और तो रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपनी अपनी जो एक्टर्स है रोने लगे, लिटरली आंसू वसूल रहे कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, ये सच बात बता जी। अनु कपूर जी मेरा सवाल है आपसे, मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने अनु कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्म है कभी हिस्सा नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए, तो उसने लड़के ने मुझसे सवाल किया कि जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने ज़रा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं,
या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है, तो इस तरीके की क्या जरूरत पड़ गई है अनु कपूर जी को फिल्म में काम करने की? ऐसा उसका सवाल था कि ये जरूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज मैम, उनसे एक बात, एक मेरी तरफ से बात बोल देना। YouTube पे जितनी बातें आपने मुझे बोली ना, टाइप करके डालेंगे ना, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है, औरत शोहर की फर्मा बर्दारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े आदमियों के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के। तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्वड सर, लोग यहां पे आए सर, ये आभारी बहुत मशहूर हूं, बहुत शुक्रिया जी। सर ये क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन है, ये फिल्म दादा एक सेकंड, लेडीज लेडीज डायरेक्टर साहब ने बोला कि स्त्री का सम्मान करना सीखे, बोलो 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 टम टम हां मैं इनको यार, ये तो प्रॉब्लम डायरेक्टर सेड नो कि द क्लाइमेट शो यू ऑलमोस्ट डू नॉट एग्री विद व्हाट इज हैपनिंग, योर रिएक्शन टू दैट in personal life, and had it the film not released, because you all have, I think, just started or you are very young to the field, tell me about that. I'd like to add on the thing that Kamal sir said. Only women, actually Muslim women cried, and I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 223 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translation. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household, and are you saying ki koi bhi ghar mein aisa nahi hota hoga? I just want to know, ek ghar ki kahani hai dude, let's not just generalize into Muslim ghar. Aur mere ghar mein jab maine wo trailer dikhaya, इतना प्यार मिला, माय मदर, माय फैमिली, एवरी वुमेन ऑफ माय हाउस वेर टच्ड टू देयर हार्ट, मतलब वो रो दी, क्योंकि एज अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो, मतलब मैं देखी हूँ ये सारे इश्यूज, एंड कितना इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज़ को लाना। सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं, या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं, सो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक अनुजी's wife, उस्ताद मंजूर अली खान's wife. मंजूर अली खान's wife. So climax. I think third. Third. नहीं, 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से डिवाइड मत करो अभी, नहीं ना, देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा ये डिबेट है कि ये थर्ड वाइफ होंगी इनकी, सेकंड, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं, नंबर वन के ये हैं, नंबर टू ये बैठे हुए, नंबर थ्री बेटी वो बैठी हुई है, तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडिया होंगे, आप समझ सकते हो बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें, क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफ़र करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है, ये मदर है जो इतने, मतलब बहुत बहुत कम एज में है, 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है, तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम, आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मैन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड, या सो आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई कैरेक्टर इन लाइफ, आई लाइक स्पीकिंग, मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है,
तो आई ऑनेस्टली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर आई डिड नॉट अग्री विद द कैरेक्टर. मुझे मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि एज एन एक्टर आप चॉइसेस लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है, तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए. बट देन द स्टोरी टेल्स दैट के एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेक डिसीजंस बिकॉज हमारे पास कोई चॉइस होती नहीं है. Yeah, so of course I did not agree with the character. If I tell you the climax, you will know the movie, na? आपको movie देखनी पड़ेगी. Okay. सर हमारे द्वारा की शुभकामनाएं मेरी आपको है और एक सब्जेक्ट अच्छा आपको दिया है. कुछ लोगों की सोच है जाने भी तो यारो सोच को बदलो और एक महिलाओं पे आपने आवाज उठाई है. अरे हाथी जनता फैसला कर. सर इस बधाई के जो आप, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं. इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है. इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई रिलीजन हो, ऐसी आवाज उठाते हैं. अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो पॉन के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे. नहीं, देखो आप ये देखो भारत ने कितने रहम दिल है, भारतवासी कितने रहम दिल है के बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया. मेरा सवाल हेलो मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से. मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा. पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म दो हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग कारणों से कुछ कॉन्टेंट दो हफ्ते लेट हो गई, इससे एक फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें फिर दूसरा सवाल. देखिए मेकर्स की इतनी मेहनत, आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग एक महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे. फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई, ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री वहाँ पे भी फिल्म लग रही है. तो कंटिन्यू प्रमोशन लोग कर रहे थे लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जज साहब ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लगती और कोर्ट चला जाता है और वो एक मेकर्स के एक तरफ पैर खींचने लगता है. लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए कोर्ट ने मेकर्स की बात को सुना और जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें पता है कि हमारी जो जनता है 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी, उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी वो फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी देखने के बाद, तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफे में बदल जाएगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जी आपकी फिल्म एक जनसंख्या के मुद्दे पे आवाज़ उठाती है और उस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में, क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत ज़रूरी है? मैं बताऊँ कैसे. देखो अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा. यहाँ पे गवर्नमेंट को आके जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई ज़रूरी है, तभी जाके इंडिया में वो कानून आएगा. हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई टूट रहा है इधर, कुछ नहीं होने वाला. तीन तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए. तीन तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम दो हमारे दो, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला. लागू किया है सर, आना चाहिए, बहुत जरूरी है सर. नहीं भाई नहीं, कानून नहीं बनाए वो एक नारा है, कानून नहीं बना, ये जरूरी है बहुत. 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं हो गए, ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव, और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे
जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे, ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी टिबिक्टॉमी होती है वसेक्टॉमी होती है करवानी पड़ती, तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी उखाड़ दिया जाऊंगा क्या। देखिए थोड़ा सीरियस नोट पे ये है, मैं बता देता हूँ, सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, बहुत जरूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना जरूरी है और फॉलो जब जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर देगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ड्रिंक एंड ड्राइव पे लागू किया है, वैसा पॉपुलेशन में भी बिल लागू करेगा। इसका ऑडियंस कौन है? 400 रुपए है आपके जेब में, आज है तो अभी दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्टली 400 रुपए मेरे पास नहीं है, आई थिंक जिसके लिए मूवी बना है उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई, बात ऐसी है फिल्म मेकर, ये जो चार जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने इतने इतने खूबसूरत हैं, आप ये देखिए इनके डॉक्टर, इन्होंने पैसा खर्च किया है डायरेक्टर की, डायरेक्टर के लिए इतना बहुत बड़ा ब्रेक है ये, तो हम तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं पहुंचे। इस तरह से कोई नहीं देखता है, टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेके 35 का टारगेट, फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा तो तुम्हारा टीवी सीरियल देखेगा। जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई इतना पैसा लगा 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं यार, एक एक व्यक्ति आता है, एक एक आता है, हमारे वीरेंद्र भगत जी से आता है, अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए ये 65 चले गए, ये देखिए 7.5 लाख ऐसा, उसके बाद जो बच्चा खुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग से दर्शक से मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें और जो सभी लोग देखें। उनका सवाल था 400 रुपए टिकट करेंगे लोग नहीं जाएंगे, इसके लिए कुछ कम हो गया। भाई आज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है, 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है, इस पे ही ऑर्डर दे देना तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने यहाँ फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी, अभी OTT आया, अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होके यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लगे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं किसी की, आप तो बस देख लो और जाओ। 600 करोड़ वाली फिल्म आ रही है भाई, उसको भी देखने जाते हैं। जी मैं आकाश हूँ नव भारत से, यहाँ पे मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव कैसा था, कि वहाँ पे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब ये आपने अपनी बात वहाँ पे रखी, और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था जब अपील थी, मैं वहाँ पर खड़ा था एज ए प्रोड्यूसर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ एक तीन बातें लिखी थी, और तीन जगह लिखी थी, मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे और ऐसे बताया, ये बताया, वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें, और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें फिल्म दिखा दो तो एक बार हमको जजमेंट देने में अच्छी होगी। हम लोगों ने फिल्म जज साहब को दिखाया और डबल बेंच की दो, मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, दो जज साहब ने फिल्म देखी, और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने अगर बोला, 10 बार बात को बताई, जो भी पेटिशनर थे और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी उन्होंने रिवील की जज साहब ने, और बोली कि वुमेन इन पावर की फिल्म है,
थिंक अबाउट फिल्में ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और ऐसे जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कल साहब अपनी कोई आर्ग्यूमेंट और ऐसी ओपिनियन नहीं देते। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था, टीजर ट्रेलर एक प्रोमो होता है एक मिनट का और वो सब बातें खत्म हो चुकी है, उन बातों का आप कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और मामला सॉल्व हो गया है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं सो से बोल। 21 जून यानी कि टुमारो इन द फ्राइडे आज के बारे में बात चाहिए, आज क्या करना है जी। अनुज गुजर गया। हेलो सर, मेरा एक सवाल आपके वीडियो के साथ है। तुम आ गए, बात करवानी है क्यों? ये मजाक क्वेश्चन करेगा फिर गर्मी की वजह से। हां चलो आगे क्या नाम है? किशन बेटा, तुम्हारे सारे सवाल सुंदर लड़कियों के सजा। अच्छा ये बताओ फिल्म देख ली नहीं देखी? नहीं नहीं देखी। यार भाई भाई पैसे जमा करा देना कम से कम, बड़ा खर्च हो गया, भाई भाई जोड़ के फिल्म बनाई दी है ना। जरूर देखो। अनु सर ये मोबाइल, ये तो मुंडी ऊपर से मोबाइल। नहीं नहीं मैंने फिल्मों में बोला है। क्या बोला? शुक्रिया। तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए, ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। हाँ बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। ज़रूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियां हैं, ये डायरेक्टर इनके पास कहानी आती है, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के उन्होंने बैनर बनाया है, इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके इसके साथ हो जाएगा और वो चार लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा, अबू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं, ये किरदार में भी बाप हैं, एक्टिंग में भी बाप हैं और ज्ञान के मामले में बाप हैं, तो ये इन्होंने ये बाप हैं, बने नहीं है, ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है वो थोड़ी सी फिल्म के बारे में बताइए, उनको कैसा लगा फिल्म हमारा? थैंक यू सो मच। मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज़ है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज़ जो है वो है, म्यूट नहीं है वो, उनकी आवाज़ है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है, वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज़ को बाहर आना चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है, ठीक है, वो फिल्में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर बराबर नहीं है, महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। प्रोड्यूसर सर, सर आप लोगों ने कहा कि इस बहुत बड़ा दावा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, आप कल में हो रहा है 1.1 पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन वो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रही है, क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे यूपी में भी तो उस समय बहुत बड़े पैमाने में बोला गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, लेकिन अभी भी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना ही स्टेट गवर्नमेंट हो यूपी के, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात नहीं किया है। तो ये एक तरफ का जो कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर आप वो देखिए,
देखो भाई कुल मिला के अब लोग नंबर वन हो गए ठीक है वर्ल्ड में, अब ये छोड़ दो कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। अरे मेरे बाबा उसका क्लैरिटी कर देता हूँ, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी रहा है तो उसके वजह से वहाँ की जो कंट्री को काफी प्रॉब्लम हुआ है। चाइना को काफी प्रॉब्लम हुआ है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस बेस में आप कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, तो आप ऐसा अरे तुम क्वेश्चन बंद करोगे तब तो मैं जवाब दूंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ सुनो भाई, सर पूरी तैयारी करके आया किशन भैया, आपने इनसे ही पूछा ना कमल से, किशन कमल में खिलेगा। तो देखो अब कह रहे हो कहीं कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, मैंने ये बोला ही नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब है देखो जहाँ घट रही है उन पे भी लागू, तो वो तो वैसे ही नहीं कर रहे तो है डीएक्टिवेट मामला हो गया। जहाँ बढ़ रही है वो तो चुप हो जाएंगे, वो तो कम कर देंगे, इसलिए जरूरत है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ लगे यहाँ ना लगे, सब जगह जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास तो कम है ठीक है, लेकिन ज्यादा वो तो सोचेगा भाई अब तो गवर्नमेंट का अब आदेश आ गया, अब दो से ज्यादा नहीं करने, वो वाला मामला कहने का है और बहुत जरूरी मुद्दा है। और ये मत बोलो बढ़ घट रही है, हम तो भैया नंबर वन हो गए, नंबर वन वर्ल्ड में हो गए पॉपुलेशन के मामले, तुम कह रहे हो घट रही, कहाँ से घट रही है, घट नहीं रही है। भाई ओवरऑल बढ़ रही है ना, ओवरऑल इन सेंस यूपी। अच्छा बिहार में भी कौन से जिले में, बिहार का जिले का नाम बताइए, जिला कौन सा है, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, ये चीज है क्या, पटना है क्या, हाजीपुर है क्या, दरभंगा है क्या, समस्तीपुर। अब यार ऐसा यार किशन भाई कहाँ पॉलिटिक्स में लेके बैठ गए। अरे यार तो पिछली बार तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, तुमने पिछली बार किशन बेटा सुन लो एक सेकंड, आबादी बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन में जो प्राइमरी कारण है सुनिएगा आप लोग एक सेकंड, बड़ा है घटा है वो उसके पहले लाइफ की जो मोर्टैलिटी रेट थी वो बहुत कम थी, 10 में से 7 बच्चे चले जाते थे, 3 बचते थे। आज मोर्टैलिटी रेट बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयां इतनी आ गई हैं, इस वजह से 10 में से 9 बच्चे बच जाते हैं, आप समझे। ये भी एक कारण है आबादी बढ़ने का। अब आपने कहा कुछ जगह पर, तो कुछ जगह पर तो ठीक है ना, तो आप एक डंडे से सबको नहीं कर सकते वो स्टैटिक्स। और कहाँ ये गवर्नमेंट वार्मेंट कहाँ पॉलिटिक्स की बात ले बैठे यार। अरे किशन तेरी सूरत से लगा तो मैरिट नहीं, तुझे बहुत जरूरी है भाई, भाई प्लीज चुन ले चुन ले। मैडम पूछना चाहती हूँ आप, ये ओटीटी में क्यों नहीं रिलीज हुई, आपने थिएटर का ही क्यों सोचा, और आपको नहीं लगता क्या कि ओटीटी पर अगर रिलीज होती तो कम कंट्रोवर्सी होती, क्योंकि ओटीटी पर तो कितने सारे सेक्सुअल चीजें भी हम देखते हैं वेब सीरीज में वगैरह, तो आपको नहीं लगता कि ओटीटी में थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल होता है? मुझसे पूछ रही हैं चारों से, मैं तो ना ओटीटी के बारे में पता नहीं देखता भाई, मैं कदा देखिए हमारे बगल के जो है प्रोड्यूसर है वो इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे, बताएं। पहले हम लोगों ने सोचा था ओटीटी पे भी आएगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मैसेज चला जाएगा, लेकिन जो हम लोग पहुंचाना चाह रहे थे ये फिल्म थिएटर के माध्यम से, थिएटर में जाने के बाद जागरूक करने के लिए पूरा। और जो किशन जी सवाल कर रहे थे उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा कि क्षेत्रफल तो आपका बढ़ नहीं रहा है ना, क्षेत्रफल तो वही है जो मैम ने भी बोला था कि ये बात 15 साल पहले आना चाहिए। आप 1990 में पॉपुलेशन देखिए आज कितना है, और ये एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है, यूएस हमारे से 10 टाइम ज़्यादा क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन कितना 30 करोड़ है, पॉपुलेशन कितना 30-30 करोड़ है, आज हम लोग की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ मतलब क्रॉस कर चुके हैं, तो 1.4 हो गया सॉरी। तो आज आप ये देख लो कि ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड के लिए ना कि इंडिया के लिए, और आपका जो संसाधन है उसके लिए आपको हर एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है। आज पहले अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आप उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हो, लेकिन घर में अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपये महीने की है, 50,000 रुपये महीने की है, मैं चीज में पढ़ भी रहा था कि 96-97% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 2,00,000 रुपये मंथ से कम है,
अगर उनके दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे तो उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन अगर पांच बच्चे हों, छह बच्चे हों, सात बच्चे हों, तो पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे जितनी ज्यादा। देखिए मुद्दे की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, फिल्म के बारे में बात बता रहा हूँ, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी ये वो टीजर ट्रेलर बहुत चल गया, लेकिन फिल्म क्या है आज के टाइम में, ये मुद्दे को दर्शाती है, पॉपुलेशन के बारे में बताती है। और पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे, पहले आज से 30-35 साल पहले भाईचारा भी बहुत था, एक घर में पूरे परिवार रहते थे। लेकिन आज अगर किसी परिवार के समझ लो कि चार अगर बच्चे हैं तो चारों को घर अलग चाहिए, चारों को फ्लैट अलग चाहिए, रूम अलग चाहिए, रूम अलग होगा उसमें एसी लगेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगेंगे, क्या टेम्परेचर 40, मैं दिल्ली से हूँ, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते, तो ये क्या टेम्परेचर था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। घर ज़्यादा चाहिए, रोड चौड़ीकरण होंगे, पेड़ कटेंगे, उतनी ज़्यादा फ्लैट्स बनेंगे, घर बनेगा, बहुत सारी संसाधन की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर पॉपुलेशन कम हो, एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हमारा पॉपुलेशन 80 करोड़ था, हम जस्ट डबल होने के कगार पे। और सबसे हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि कोविड में क्या हालत था लोगों का, किस तरह से लोग मर रहे थे, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर मुद्दा पैदा करता है, तो इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, यही हमारी फिल्म में दिखाया हुआ। दूसरी बात, कांस में जब हम लोग थे, नीस में जहाँ पे हम लोग की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, अनुसर थे साथ में, वहाँ हम लोग ने एक विला बुक किया हुआ था, जब हम लोग बाइक ड्राइव करके जा रहे थे तो दो दो तीन तीन किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं दिखता था। 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है इतनी बड़ी, मतलब वो स्टेट जो फ्रांस के अंदर में आता है उस कंट्री की, तो हमारे यहाँ बॉम्बे में चले जाइए, एक एक झुग्गियों में आज जब कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगाने लोग जाते थे तो 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख लोग रहते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि एक बंदे उसी लाइफ स्टाइल में उसी पिंजड़े में बंद होकर रहे, ठीक है, तो ये अवेयरनेस होनी जरूरी है पॉपुलेशन के बारे में कि अगर ये नहीं, हम कह रहे कि फिल्म के माध्यम से एक जागरूकता भी, एक एजुकेशन भी होना चाहिए कि आप, फिल्म हम लोगों ने दिखाने की बस कोशिश की है कि देखो ज़्यादा बच्चे अगर आप रखोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, इनफैक्ट तो कोई भी कास्ट का लोग हो, नहीं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए अवेयरनेस है और पूरे विश्व के लिए अवेयरनेस है। तो इसलिए 21 जून आप लोग याद रखिएगा, और हमारी दूसरी पाई पाई की मेहनत है वो जरूर आप लोगों को, मीडिया क्योंकि दर्पण है, आईना है, और उसी के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाया जाएगा। ये पीछे पीछे आपकी बात का ये जवाब है, पीछे कन्या बहुत देर से खड़ी है। मेरा प्रोड्यूसर से क्वेश्चन है कि हमने बॉलीवुड में ये ट्रेंड देखा है कि अगर एनवायरनमेंट पे फिल्म बन रही है तो पूरा एनवायरनमेंट पेट्रियोटिज्म, तो अब आपको लगता है कि आपने जो ये मुद्दे पे फिल्म बनाई है इसके बाद बॉलीवुड में ये ट्रेंड भी चालू हो जाएगा, एंड कल जब ऑडियंस के रिएक्शन देखने को मिलेंगे और अगर फिल्म हिट होती है जो होगी होपफुली और आगे जाती है, तो आप कोई आप मतलब इसके बाद आपके पास कोई सोशल इशू या रिसर्च है अगली फिल्म के लिए? शिव बालक जी बताएंगे इसके बारे में, बोलिए सर, हमारे प्रोड्यूसर है शिव जी, शिव नाम लेते ही हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऐसी पिक्चर है, बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, इनकी पहली पिक्चर मैं देखा हूँ, एक पूरी परिवार में दिखाया गया है, एक रिजिड आदमी है कैसे चेंज होता है, इसलिए प्लीज 21 जून को जरूर जाइए देखिए। अगला पिक्चर तो हम लेके आएंगे कि हम लोग ऐसे हैं ना, जितना दबाइएगा पीपल हैं, बरगद की तरह हैं, हम दीवार फाड़ के निकलेंगे। और अगला पिक्चर रिक्वेस्ट जरूर देखिए, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया देखती है, आप सबसे बड़े सपोर्टर हमारे हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। यही बात बॉलीवुड की जो पूछा आपने कि ऐसी फिल्म बनाएंगे तो डिपेंड करता है बॉलीवुड के ऊपर में, स्टोरी के ऊपर में, वो लेटर ऑन पार्ट है, अभी जो है हमने उसके ऊपर बात करते हैं। किशन किशन थैंक यू किशन, जाने दो किशन। किशन सर, किशन बेटा आखिरी सवाल है आपसे, किशन जी भाई अच्छी तरह से पढ़ो, किशन जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्वेश्चन पूछें तो अपना माइक वाला हाथ बिल्कुल ना, सीधा सर। मेरा सवाल आपसे रिसेंटली कंपनी से आपसे ये मेरा, हाँ, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया और एक तबका है वो पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि कंगना को अच्छा किया कि थप्पड़ मारा गया, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं?
सवाल आपसे सर, टीवी नहीं देखते भैया मैं किशन भैया, आप मेरे से एक महीना पहले भी मिल चुके, तब भी मैंने बोला था मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में पता है, क्योंकि ना तो मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और ना ही मैं न्यूज चैनल देखता हूँ, और मैं सुखी आदमी हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं। अगर कल आप कोई एयरपोर्ट में आप चले जाते हैं और आपकी बातों को लेकर कोई अगर नाराज भी रहता है, तो अगर वो कोई थप्पड़ मारता है तो वो क्या वो सही है? क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किस तरह बिल्कुल आपके हर प्रश्न का एक बार ध्यान रखें, जब आप मेरे सामने, मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूँगा, हर प्रश्न मेरे लिए समान। आपकी जगह, मीडिया की जगह पर कोई आम व्यक्ति भी मुझसे प्रश्न पूछता, आपके प्रश्न का सम्मान उसी तरह से आप मेरे उत्तर का सम्मान कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो सबसे पहली बात, अनु कपूर बेकार की बात करता रहता है, तो संभव। उसके बावजूद किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। अगर वो वर्दी पहना है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो मेरे ऊपर बड़ा अपराध लग जाएगा, उस वक्त तो मैं थप्पड़ खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मामला सरकारी हो जाएगा ना, उसको उस व्यक्ति ने जिसने आक्रमण किया है उसको पूरी दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं छोड़ूंगा। ये कंगना जी कौन है बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होगी, सुंदर है क्या? सुंदर है, अच्छा ओहो वो भी हो गई, बाबा अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है, कि एक सुंदर है, है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी है, और उसके बाद तो पावरफुल है, ठीक है, और ये आप कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया, तो उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है, वर्दी पहनी थी कि नहीं पहनी थी? हाँ पहनी थी, इन्होंने जो इनका नाम कंगना जी ने हाथ उठाया करें उनके ऊपर, बस फर्स्ट क्लास है, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके FIR दर्ज करनी चाहिए, कम से कम 4 धारा मिलेगी उस और पर। अरे बैठ के पूछो, किशन किशन किशन, हेलो राहुल, हेलो ने हालात कुछ सरदार जी, सर हालात, एक व्यक्ति ने बगैर किसी कारण से किसी को थप्पड़ मार दिया, ये अपराध है। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं सर, हमारे बारे की बारे में बात करो, मैंने पॉपुलेशन अवेयरनेस की बात की, हमारे राइटर राजन अग्रवाल जी है जिन्होंने ये लिखा है स्क्रिप्ट, इनसे पूछिए कि इतनी अच्छी प्यारी स्क्रिप्ट इन्होंने। हेलो हेलो हेलो, एक सवाल है, हेलो अरे बैठ के, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक जी हाँ बोलो। मैं सबसे पहले हमारे 12 के सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर और कैरेक्टर्स को बधाई का पात्र बोलता हूँ, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँचाया, और मीडिया फ्रेंड्स से मैं एक मीडिया होते जर्नलिस्ट होने के नाते सभी को बोलूँगा, एक अच्छा मैसेज आप लोग ही पहुँचाओ मीडिया के द्वारा, ये पिक्चर सभी लोग देखें, पैसे ज़्यादा हो कम हो लेकिन घर घर मैसेज जाना चाहिए कि फैमिली छोटी हो, बढ़िया हो और खुशहाल हो और बहुत बढ़िया हो। राहुल कुछ बोलेंगे, राहुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।